सो एंटरप्रेन्योर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही क्रिएटिव बिजनेस आइडिया के बारे में, एक बहुत ही हट के बिजनेस मॉडल जो आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। जिन्हें भी पता नहीं है इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आप में से सारे लोगों को पता है कि अभी ऑनलाइन का टाइम चल रहा है, यानी कि घर पे बैठे बैठे हम लोगों को सारी सर्विसेज चाहिए होती हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बस एक मोबाइल ऐप पे कुछ भी ऑर्डर किए घर पे आ जाए, तो वो सर्विस यूज़ करते ही हैं आप डोर टू डोर। आपको कुछ भी लेना हो, कोई भी ज़रूरत हो आपकी, लाइक अगर ग्रॉसरी लेना हो, घर का राशन खत्म हो गया, तो वो ऐप पे ऑनलाइन जाते हैं आप, ऑर्डर करते हैं, घर पे मिल जाता है। या फिर आपको भूख लगा है, रेस्टोरेंट खाना खाना है किसी फेमस रेस्टोरेंट का, तो वो भी मोबाइल पे जाते हैं आप, ऐप ऑन करते हैं, ऑर्डर करते हैं, घर पे खाना आता है। फिर या तो अगर आपको कोई शूज़ लेना हो या फिर क्लोथ्स लेने हैं, तो वो भी आप बाहर नहीं जाते हैं जहाँ चाहते हैं धूप में, आप चाहते हैं घर बैठे बैठे ऐप के ऊपर में ऑर्डर किया अमेजन फ्लिपकार्ट पे, वो घर पे आ गया। तो इसी टाइप से, इसी मॉडल को देखते हुए एक नया मॉडल आया है जो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाह, ऐसा मॉडल भी अभी आ चुका है, तो फिर आप उसका भी सर्विस लेना चालू कर देंगे घर बैठे बैठे। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं रेपॉस एनर्जी के बारे में। रेपॉस एनर्जी एक फ्यूल से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है। ये भी उन लोगों के लिए है जो कि घर से बाहर बिल्कुल भी निकलना नहीं चाहते हैं। अगर उनके कार का या फिर बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी आलस में वो सोचते हैं कि घर बैठे बैठे मुझे पेट्रोल लग के कोई दे दे तो मैं यहाँ फिल कर लूँ और फिर बाहर निकल जाऊँ, तो उसी को देखते हुए ये क्रिएटिव मॉडल आया है। इस क्रिएटिव मॉडल को लाने वाले कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई इंसान नहीं है, ये हस्बैंड वाइफ थे, मतलब कि मियाँ बीवी ने इस कॉन्सेप्ट को सोचा। रेपॉस एनर्जी एक पेट्रोल पंप ऑन व्हील, यानी कि पेट्रोल पंप ऑन व्हील एक मोबाइल वैन की तरह है। अगर इसका भी एक ऐप है, आप ऐप पे ऑर्डर करते हैं तो ये डायरेक्ट आपके घर पे आएगा और आपको आपके कार बाइक में पेट्रोल फिल करेगा और चला जाएगा। और इस ये जो बिजनेस मॉडल है, ये बिजनेस मॉडल कॉन्सेप्ट बहुत ही बड़ा है, तो इसमें पैसे की भी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, क्योंकि ट्रक्स लेने होते हैं, वैन्स लेने होते हैं जिसके अंदर फ्यूल डाल के डोर टू डोर लेके जाया जाए। तो इसके लिए अब इन्वेस्टमेंट कहाँ से आए, तो उन जो हस्बैंड वाइफ है, उन हस्बैंड वाइफ का को नाम बताता हूँ जो फाउंडर्स हैं और को फाउंडर हैं उनका, उन हस्बैंड वाइफ का नाम है, जो वाइफ है उनका नाम है अदिति भोसले वलूंज, और जो हस्बैंड है उनका नाम है चेतन वलूंज। ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं, तो इस बिजनेस के पीछे इन दोनों का ही दिमाग है क्रिएटिव आइडिया के पीछे। तो क्या था कि जो मैन है, जो हस्बैंड है, उनके फादर का पेट्रोल पंप का पहले से बिजनेस था। तो क्या हुआ कि ये सोच रहे थे कुछ हम बड़े स्केल पे काम किया जाए कुछ अच्छे आइडिया के ऊपर में। तो उन लोगों को ये आइडिया कहाँ से आया दिमाग, तो वो लोग अमेजन फ्लिपकार्ट को देखते थे कि यार ये हम कुछ भी ऑर्डर करते हैं घर बैठे, अमेजन फ्लिपकार्ट वाले घर पे देके चले आते हैं डोर टू डोर। तो इसी चीज़ को देखते हुए माइंड में उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम पेट्रोल भी इसी टाइप से एक क्रिएटिव आइडिया बनाएं जो घर बैठे बैठे लोगों को पेट्रोल भी मिल जाए ईजी तरीके से, जो लोग घर से बाहर नहीं जाते जाना चाहते हैं। और इस बिजनेस मॉडल को बूस्ट करने में बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो इसको फुलफिल किसने किया है, तो वो है हमारे बहुत बड़े उद्योगपति रतन टाटा। रतन टाटा ने इन्वेस्ट किया है इस रेपॉस एनर्जी स्टार्टअप के ऊपर में। तो इन्हें कैसे मिला था ये बड़ा इन्वेस्टमेंट, वो भी रतन टाटा से। तो क्या हुआ, ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो सोचे थे इस कॉन्सेप्ट को, ये गए रतन टाटा के पास में, उन्होंने पिच किया रतन टाटा को कि मेरा ये कॉन्सेप्ट है बताया। तो रतन टाटा इम्प्रेस हुए, कहें कि हाँ यार ये तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये मार्केट में चल सकता है। तो उन्होंने वो तैयार हो गए उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन ये अभी तक मार्केट में ये अनाउंस नहीं हुआ है कि वो अमाउंट क्या है, ये अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट है जो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। अब वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे, 70,000 वैल्यूएशन की जो कंपनी रेपॉस एनर्जी जो लॉन्च हुआ था, वो मात्र कुछ सालों में 2 करोड़ की कंपनी बन गई। अभी तो ऐसा टाइम हो गया है कि हर महीने वो 2 करोड़ कमाते हैं इस स्टार्टअप से। अभी क्या है कि इन लोगों ने सबसे पहले टारगेट किसे किया था, इन लोगों ने टारगेट किया 65 ऐसे इंडिया के लोकेशंस को जहां पे डीजल की खपत ज़्यादा है, उनको पहले फोकस किया, उनके पास पहुंचाया इस पेट्रोल को डोर टू डोर सर्विस, उन्हें अच्छा लगा, वो यूज़ भी कर रहे हैं। और अभी के टाइम में अब ये हाल है कि रेपॉस एनर्जी जो पेट्रोल पंप का जो स्टार्टअप है, इसके ऊपर 300 कस्टमर्स हैं, 300 कस्टमर्स, और हर महीने मतलब बल्क में ऑर्डर्स आते हैं इनके पास में। तो क्या हुआ कि जब स्टार्टअप इन्होंने लॉन्च किया, तो डिलीवरी करते करते हर स्टेट टू स्टेट, पहले फर्स्ट राउंड में ये लोग टारगेट किए थे, जैसे कि मैंने बताया कि उन 65 लोकेशंस को जहाँ पे डीजल ज़्यादा लगता है, तो वहाँ लोकेशन को कवर करने के बाद ये लोग पहुँचे इंडिया के
65 ऐसे सिटीज़ में अभी तक इन्होंने पेट्रोल डिवर्ट कर दिया है। मतलब जैसे बताया था मैंने कि 65 लोकेशन पे खपत वाला लोकेशन टारगेट तो अचीव कर लिया, उसके बाद इन्होंने उन सिटीज़ पे अभी तक सारा पेट्रोल अपना डिलीवर्ड कर दिया है, वो भी सक्सेसफुली 65 सिटीज़ हैं। उसके बाद क्या हुआ कि रिपोज एनर्जी जब काम कर रही थी तो अब इसका बिजनेस मॉडल कैसे, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या कॉस्ट पे पेट्रोल देती होगी, डीजल कौन से कॉस्ट पे देती है लोगों को, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 25 पैसे से लेके 2 रुपये लीटर तक पेट्रोल की प्राइस है इनकी, 500 लीटर से नीचे, 500 लीटर से अगर नीचे लेंगे तो आपको 25 पैसे से लेके 2 रुपये लीटर तक आपको पेट्रोल पंप ये पेट्रोल आपको मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये पेट्रोल पंप का जो बिजनेस है यूनिक, इस बिजनेस मॉडल को कैसे करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको अभी स्टार्टिंग में कि जो जो मैन थे, जो हस्बैंड थे, उनके फादर का पहले से एक बिजनेस था पेट्रोल पंप का, तो उन्होंने स्टार्ट किया अपने फादर के पेट्रोल पंप से। उसके बाद इन्होंने टाइप किया ऐसे 150 पेट्रोल पंप के ऑनर्स से, उनसे टाइप करके वहाँ पे उन्होंने बोला कि जब भी ज़रूरत होगी आप मुझे पेट्रोल देंगे हमारे मोबाइल वैन में, फिर हम उसको डिलीवर करेंगे, जब भी ऑर्डर आएगा आप हमसे टाइप करिए। हर उन लोकेशंस पे जाके जहाँ पे उन्होंने अभी तक सक्सेसफुली पेट्रोल को डिलीवर कर दिया है, उन सारे लोकेशंस के पेट्रोल पंप के ऑनर से टाइप किया कि मुझे इतने पेट्रोल की नीड होती है, जैसे ही ऑर्डर आता है तो फिर वो वैन में फुल फिल होता है, उसको फिर जैसे ही ऑर्डर आएगा वो लेके उस लोकेशन पे निकल जाते हैं। तो पहले अपने फादर के पेट्रोल पंप से स्टार्ट किया, फिर 150 ऐसे ऑनर्स को पकड़ लिया, टाइप कर लिया जो हर टाइम रेडी रहते हैं उनके लिए। उसके बाद अभी क्या है कि वो लोग उनको क्योंकि इन्वेस्टमेंट मिल गया और हर साल ग्रो कर रहे हैं, तो उन लोगों का टारगेट ये है, क्योंकि अभी तक तो डोर टू डोर 1-to-1 डिलीवर करते हैं, उनका टारगेट कि बल्क में भी वो पेट्रोल उन डोर टू डोर पहुंचा जाए। तो ऐसे अपना भी उन लोग अभी आउटलेट वो लॉन्च कर रहे हैं पेट्रोल का, जो कि बल्क में पेट्रोल फिर उन सारे डोर स्टेप पहुंचाए जिन्हें बल्क में ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद इनका अभी टारगेट है कि आने वाले 5 साल में, 5 ईयर में 32,000 यानी कि 32,000 अभी और भी पेट्रोल पंप के ऑनर से ये लोग टाइप करेंगे और ही बड़े स्केल के ऊपर काम करने के लिए। अब ये जो स्टार्टअप है ये बहुत ही डिफरेंट मॉडल पे आया था, ये लॉन्च हुआ था 2017 में लॉन्च होने के बाद में अभी ये काम कर रहा है, और इस स्टार्टअप के आइडिया को और भी बूस्टअप कहाँ से मिला। अभी जैसा कि आप जानते हैं कुछ साल पहले उड़ीसा में जो वो साइक्लोन आया था, साइक्लोन फैनी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चला था पेट्रोल्स की, तो वहाँ पे इनका आइडिया कैसे काम किया, तो वहाँ पे ये लोग हेल्प करने के लिए जो भी बोट्स जिनका पेट्रोल ख़त्म हो जा रहा था, ये मोबाइल वैन के थ्रू उन बोट्स के पास साइक्लोन में जाते थे और अपने पास से पेट्रोल को फुलफिल करते थे वहाँ पर, वो सरकार को उन्होंने हेल्प किया, तो वहाँ तक भी इनका जो आइडिया है वो रीच किया पहुँचा कि इस टाइप का स्टार्टअप आया है, ये बहुत ही क्रिएटिव आइडिया के साथ में है, तो हाँ यार ये अच्छा स्टार्टअप है, क्योंकि साइक्लोन में भी, फैनी साइक्लोन में इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया लोगों को बचाने के लिए, पेट्रोल जहाँ ख़त्म हो रहा था बोट्स वाले के पास में, तो बोट्स में जाके वो पेट्रोल फिल कर दे रहे थे। उसके बाद अभी क्या है कि गवर्नमेंट में भी जो जितने भी पुलिस एम्प्लॉयज़ हैं, पुलिस एम्प्लॉय ने भी इनको मतलब इनवाइट किया है कि आप हमारे साथ में टाइप करिए, हमारा जहाँ भी पुलिस स्टेशन पे या फिर कहीं भी कोई भी ऐसा इवेंट चल रहा होगा, कुछ भी प्रॉब्लम जहाँ पे पुलिस को हो रही होगी, जहाँ पेट्रोल ख़त्म हो जा रहा होगा उनका किसी प्रोटेस्ट वगैरह में, तो वहाँ भी वो फुलफिल करेंगे, उन लोगों ने भी आपस में टाइप कर लिया है। तो ये जो मैंने बताया है, और रतन टाटा ने मतलब कि उन लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि रतन टाटा उनके ऊपर इतना बड़ा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि डायरेक्ट इतने बड़े आदमी से उनको इन्वेस्टमेंट मिलना। और जो कि जो चेतन वुलुन है, ये पहले से इंजीनियर थे, इस लाइन में बिल्कुल उनका ध्यान नहीं था, लेकिन इनको दिमाग आया था अमेजन और फ्लिपकार्ट के पास से। तो ये जो बिजनेस मॉडल है ये बिल्कुल हट के क्रिएटिव आइडिया है, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कुछ अलग होना चाहिए, कुछ क्रिएटिव आइडिया पे काम करिए ताकि लोग भी सोचें कि हाँ यार ये बहुत ही अच्छा क्रिएटिव आइडिया है। तो इसका ऐप जो है, इस ऐप के ऊपर अभी भी आप ऑर्डर करेंगे तो आपके पास आराम से आपको घर बैठे बैठे जो भी फ्यूल चाहिए आराम से मिल जाएगा, और आपको कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत भी नहीं है, और आने वाला टाइम में ये और भी अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं और भी हर जगह से इनको फंड्स मिल रहे हैं। तो अगर चाहते हैं आप कि इस बिज़नेस मॉडल में काम करना, तो आप भी चाहें तो इस बिज़नेस मॉडल पे काम कर सकते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अब ये लोग अर्न कैसे करते हैं, मतलब कि जो इनका ऐप है रिपोस्ट एनर्जी, इनके पास जो टाइप करते हैं तो ये पेट्रोल पंप के ऑनर्स और ये दोनों मिलके पैसा कैसे कमाते हैं। तो इनका जो रेवेन्यू मॉडल है, रेवेन्यू बेस है, इनके पास
2.2% का पैसा आता है, यानी कि 2 रुपये 2 पैसे के करीब उनके पास पैसा आता है। तो सोच रहे होंगे कि ये पेट्रोल पंप वाले लेंगे या फिर ये जो उन्होंने लॉन्च किया अपना स्टार्टअप वो लेंगे। तो ये दोनों ने मिल के इस पैसे को शेयर किया है आपस में, यानी कि 2 रुपये 2 पैसे का इनको प्रॉफिट होता है और ये दोनों अपने अंडरस्टैंडिंग मतलब करके और एक दूसरे के साथ में इस पैसे को शेयर करते हैं। और याद रखिएगा, ये बिजनेस मॉडल बिना टाइप का नहीं होगा अगर चालू करते हैं, लेकिन इसके अंदर पैसा भी बहुत चाहिए, क्योंकि रतन टाटा को ये अच्छा लगा था कॉन्सेप्ट तो उन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया। तो इसी टाइप से अगर आप चाहते हैं बिजनेस मॉडल में काम करना, तो आप भी कर सकते हैं कुछ क्रिएटिव हट के आइडिया पे। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको लगता है तो आप भी इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों तक जिन्हें पता नहीं है इस मॉडल के बारे में। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां पर सर्च करेंगे रिपोर्स एनर्जी पे, रिपोर्स एनर्जी ऐप के बारे में, तो वहां पर आपको इसके बारे में डिटेल मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को शेयर करिए जहां भी लोगों को जरूरत लगती है कि पेट्रोल पंप घर बैठे बैठे लेना चाहिए, तो वो इस ऐप पे जाके ऑर्डर करें। आपको जाना नहीं है घर के बाहर, आराम से बल्क में लेना हो बल्क में मिल जाएगा आपको, अगर छोटे लेवल पे लेना है तो छोटे लेवल पे आपको ये पेट्रोल मिल जाएगा। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा से कहता हूँ, जहाँ लोगों को प्रॉब्लम दिखती है वहाँ एंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटी दिखती है। सो एंटरप्रेन्योर्स, बी मोटिवेटेड, डू स्टार्टअप एंड बिकम एंटरप्रेन्योर। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।